सबसे पहले हमको इसको यहाँ से ऑन करना होता है। ऑन कर दिया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वॉश साइकिल। वॉश साइकिल में ऑटो पे ये सारा काम खुद करेगी। स्ट्रांग कपड़े हैं, हैवी कपड़े हैं, तो हम इसको स्ट्रांग पे करेंगे। ये आपका वाटर लेवल लिखा हुआ है। 5-6 कपड़े हैं तो हम मिनिमम पे करेंगे। 7-8 कपड़े हो गए तो हम लो पे करेंगे। 8-9 कपड़े हो गए तो हम मीडियम पे करेंगे, और उससे ज़्यादा कपड़े हो गए तो हम हाई पे करेंगे। ठीक, सारा कुछ सेट करने के बाद सबसे लास्ट में हमको स्टार्ट करना है। ठीक, दूसरा, अगर हमको कपड़ों को धुलना नहीं है, हम चाहते हैं कि केवल मशीन खंगाल दे, तो हम इसको केवल खंगाल भी सकते हैं। रेंज पे लाइट जल रही है तो ये केवल कपड़ों को खंगालेगी। तो कपड़ों को केवल सुखाना है तो हम केवल स्पिन पे कर देंगे, कपड़ों को केवल सुखाएंगे। वॉशिंग पाउडर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक, और कुछ पूछना चाहती हैं? चल जाइए आप। ये आपके इनलेट पाइप है, ठीक है ना, यहाँ पे एक लिंट फिल्टर लगा हुआ है। ये हर 10 से 15 दिन में इसको हमको निकाल के साफ करना होता है। ठीक, ये चूड़ी पे होता है, हम इसको आसानी से बंद कर सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा आउटलेट पाइप है जहां से मशीन का पानी बाहर निकलना होता है, ठीक है ना। बाकी ये हमारा लेंथ फिल्टर है, जब हम कपड़े धोते हैं तो इसमें कचरे आके फंसते हैं। वॉशिंग मशीन में जो हम कपड़े डालते हैं उसमें जो रोए वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे आके फंसते हैं, तो इसको निकाल के हमको 10 से 15 दिन में एक बार साफ करना होता है। दो साल की आपके वॉशिंग मशीन की वारंटी 2 साल की। ये है ईओन 650 CI 6.5 kg, आपको 10 साल की मिल रही है। वॉशिंग मशीन की वारंटी आपकी टोटल 2 साल की है। यहाँ पे जो पीसीबी लगी है, इनलेट वाल्व, प्रेशर सेंसर, डार्क मोटर, असेंबली, एजिटेटर, इंपेलर, जितने भी इसके पार्ट हैं उन सब की वारंटी आपको टोटल 2 साल की। इसमें जो मोटर लगी है, मोटर की वारंटी आपको टोटल 10 साल की। केवल मोटर की वारंटी आपको 10 साल की।